टी20 क्रिकेट में कई बार देखा गया है कि मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर खेला जाता है और कैसे भी हो मैच का नतीजा जरूर निकलता है। मगर इस बार एक ऐसा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान टी20 मुकाबला खेला गया। इस मैच में स्कॉटलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 185 रन ठोक दिए। आयरलैंड ने भी इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। आयरिश बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरे और वो 20 ओवर में 186 के लक्ष्य को तो नहीं भेद सके, लेकिन आयरलैंड ने भी 6 विकेट खोकर स्कॉटलैंड की बराबरी करते हुए 185 रन बना लिए। दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर हो गया। अब आईसीसी के नियमों के मुताबिक टी20 मैच में जब स्कोर बराबर हो जाए तो नतीजा निकालने के लिए सुपर ओवर कराया जाता है और दोनों टीमों की ओर से सिर्फ 3 बल्लेबाजों को एक ओवर खेलने का मौका मिलता है। इस ओवर में ज्यादा रन बनाने वाली टीम को विजेता घोषित करने का नियम है। मगर इस मैच में जो हुआ वो आज तक टी20 के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैच को टाई पर ही खत्म कर दिया गया। दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर करवाया ही नहीं गया। क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले 9 बार टी20 मुकाबला टाई पर खत्म हुआ, लेकिन हर बार सुपर ओवर कराया गया और नतीजा निकला। मगर ये पहली बार हुआ जब टाई पर मैच खत्म होने के बाद सुपर ओवर नहीं कराया गया। दोनों टीमों के कप्तान टाई पर राजी हो गए, इसीलिए सुपर ओवर कराया ही नहीं गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।